वो व्यक्ति फ्लाइट से सफ़र करता है जहाज से, तो जहाज में एंट्री टिकट लेने के बाद उसका नेपाल में विमान क्रैश का मामला आ रहा है, जो पोखरा से लैंड करने से पहले ही क्रैश हो गया, उसमें गाजीपुर के लोग बता रहे, क्या डिटेल है उनका? जी हाँ, बहुत दुखद घटना है जो प्लेन क्रैश हुआ है काठमांडू से पोखरा जाने के समय। उसमें हमारे जनपद के 4 नवयुवक थे। इनका नाम है अभिषेक कुशवाहा, ग्राम धरवा, तहसील कासमाबाद, सोनू जायसवाल, ग्राम चक जैनब, तहसील कासमाबाद, विशाल शर्मा, ग्राम अलावलपुर, तहसील कासमाबाद, और अनिल कुमार राजभर, ग्राम चक जैनब, तहसील कासमाबाद। ये चारों आपस में दोस्त थे और एक ग्रुप बना करके वहाँ घूमने गए थे और इस हादसे के शिकार हुए हैं। बहुत दुखद घटना है। इस क्रम में हम लोग इंडियन एम्बेसी काठमांडू से टच में हैं और उन्होंने बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रही थी, जो कि अंधकार होने की वजह से रुक गई हैं, कल पुनः रिज्यूम होंगी, उसके बाद बॉडीज़ रिकवर की जाएंगी। और इन चारों मृतकों के परिवारजनों से हमारा संपर्क हो गया है, SDM तहसीलदार मौके पर हैं और उनसे बात हो गई है, और जैसे आगे सूचना मिलेगी वैसे हम कार्रवाई करेंगे। क्या इन चारों की डेड बॉडी अभी मिल पाई नहीं? अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि कुल 68 लोग उसमें ट्रैवल कर रहे थे, उसमें से सिर्फ 62 डेड बॉडीज़ मिली हैं और उसमें पहचान अभी नहीं हो पाई है, और इसके बारे में स्थिति कल ही क्लियर हो पाएगी। परिवार से संपर्क करने की कोशिश की तो क्या जवाब मिला? हाँ, चारों मृतकों के परिवार संपर्क हो चुका है और सबको ये बात बताई गई है, सब जान रहे हैं, और आगे जिस तरह से परिवार अगर वहाँ ट्रैवल करना चाहे या जो भी होगा वो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। अभी हम गाजीपुर जनपद में हूँ और जनपद के आपको बता दें कि नेपाल विमान हादसे में गाजीपुर जनपद से 4 लोग जो दुर्घटना में काल के गाल समा गए, उन्हीं के घर पर यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी आए हुए हैं। सर, इस प्रकार से जो घटना घटी है और यहाँ पर शोक संवेदना देने के लिए आप आए हुए हैं, जो पार्टी के वर्तमान में जिनकी सरकार है और इस तरह से इतनी बड़ी जो घटना हो गई है, और यहाँ के जिला अधिकारी, सुनने में आया है कि यहाँ के DM भी अभी तक नहीं आए हैं, तो परिवार के लिए आप क्या कहेंगे? इतनी बड़ी घटना हुई है और आप अपने स्तर से क्या कार्रवाई करने के लिए कहेंगे? देखिए, दुखद घटना है जी, और ईश्वर से प्रार्थना है कि उस परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दें जी। और सबसे पहले तो प्रयास ये हो रहा है कि डेड बॉडी मृतक परिवार को उपलब्ध हो, चूँकि विदेश का मामला है और विदेश मंत्रालय लगा हुआ है उसमें उसमें ना DM कोई कुछ कर सकता है, ना SDM कर सकता है, ना जिले का और प्रदेश का कोई अधिकारी कुछ नहीं कर सकता है। जो भी होगा वो विदेश मंत्रालय से हो रहा है। तो अभी तो 1 घंटा पहले लगभग जो 72 लोगों की डेथ हुई है उसमें 70 डेड बॉडी बरामद हुई है। अभी पूरे एरिया को जो है नेपाल की मिलिट्री ने उसको घेर रखा है जी। तो वो 2 डेड बॉडी जब मिल जाएगी तो सभी डेड बॉडी जाएगी नेपाल जी। तो नेपाल जाएगी, उसका PM होगा जी। यहाँ से भारत के विदेश मंत्रालय से सूचना गई है कि जो हमारे देश के 5 लोग हैं उस पर DNA टेस्ट हो जाए, ताकि हमारी डेड बॉडी मिले, क्योंकि इतना जल गई है बॉडी कि उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग विदेश मंत्रालय भी संपर्क में हैं, हम लोग चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश से भी संपर्क में हैं, कल DM से भी हमने बात की थी, आज भी बात की, तो उन्होंने जो बात बताई कि जो भी उधर से हमको सूचना जैसे मिलती रहेगी वैसे हम अवगत कराते रहेंगे। और जो कानूनी प्रक्रिया में जो है तो लेखपाल और तहसीलदार SDM चूँकि क्षेत्रीय वो समस्या के निस्तारण के लिए काम अपना कर रहे हैं, जैसा कि सब 4 लोगों के यहाँ जाने पर ऐसा पता हुआ है कि परिवार के लोग इस तहसीलदार के साथ नेपाल लोग गए हैं जी। अपनी बॉडी लेने के लिए जी। तो खैर वो लोग गए हैं, लेकिन वो जो सिस्टम है उस सिस्टम से बॉडी आज तो संभव नहीं है कि अब डेड बॉडी आ जावे। अब शाम तक देर रात तक क्या गतिविधि होती है, अब अगर 72 मिल गया होगा तो पहले तो डेड बॉडी काठमांडू जाएगी, PM होगा, तो सबका PM होने के बाद जिस तरह की डिमांड है DNA टेस्ट की, तो वो होने में समय लगेगा। ठीक है सर, इतनी बड़ी घटना घट गई, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, कुल मिलाकर के आप अपने स्तर से सरकार यहाँ जो है
कुछ मदद परिवार के लिए करेगी, क्या होगा इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, जो व्यक्ति फ्लाइट से सफ़र करता है जहाज से, तो जहाज में एंट्री टिकट लेने के बाद उसका बीमा हो जाता है पहले जी। तो वो तो बाद की प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया है कि मृतक जो व्यक्ति है उसके परिवार को पहले डेड बॉडी उपलब्ध हो, उसके बाद शेष कार्रवाई बाद में हो। ये हमारा अपना प्रयास हो रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ थे ओम प्रकाश राजभर जी, यहाँ के पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक जो हैं, और इन्होंने बेबाकी के साथ जो है पीड़ित परिवार के घर पर सांत्वना देने के लिए आए हुए थे, और उन्होंने कहा है कि पहले जो है पार्थिव शरीर जो इनका आ जाए, उसके बाद जो भी है हम लोग कानूनी प्रक्रिया के तहत करेंगे। दोस्तों देखिए, यहीं अभिषेक कुशवाहा का घर है, और ये लोग पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लिए गए हुए थे, और वहाँ पर विमान हादसे में, जो आपको मैं बता दूं कि 72 सीटर वाला विमान जो था नेपाल जा रहा था, जिसमें से 5 भारतीयों में उत्तर प्रदेश के 4, वो भी गाजीपुर जनपद के 4, मतलब उत्तर प्रदेश के 4, गाजीपुर जनपद के 4 लोग काल के गाल असमय समा गए। और इनके पिताजी अभी परिवार अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, जरा भैया दिखा दीजिए, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश राजभर जी आए हुए थे, इनके पिताजी। ये कब आप लोगों को जानकारी जैसे कब हुआ था कि ये घटना घट गई है? जानकारी हमको शाम को मिला है 7 बजे। 7 बजे ये लोग दर्शन वर्शन करने के लिए क्या कैसे गए थे वहाँ पे? ये लोग घूमने गए थे। अच्छा, तो पशुपतिनाथ से पता चला है घूम करके जी, कहीं और जा रहे थे तो वहीं पे घटना हुआ है। और ये कितने मतलब भाई थे ये लोग? ये 2 भाई थे। क्या करते थे? जन सेवा केंद्र खोलकर चला रहे थे। बड़े थे ये? छोटे थे, ये यही सब परिवार का जिम्मेदार लड़का था। अच्छा, मतलब शादी भी हो गया इनका? हो गया? शादी नहीं हुआ है। शादी नहीं हुआ था, परिवार का मतलब देख रेख, मतलब जो भी अपने जीविकोपार्जन यही, मतलब ये दुकान यहीं पर खोल करके, अलावलपुर में दुकान खोले थे, अलावलपुर में दुकान खोल करके इन्होंने मतलब अपने परिवार की देख रेख करते थे। और जिस प्रकार से इतनी बड़ी घटना हुई है, सब लोग कर रहे हैं और शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटनाएं, अभी इससे पहले भी घटना विमान क्रैश हो रहा था, तो आखिर में इस प्रकार से होता रहेगा, तो इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी, जब भी विजिबिलिटी, मान लीजिए पहाड़ हुआ, चाहे ठंडी के मौसम में कोहरे भी जब होते हैं, तो उसके लिए कोई व्यवस्था सिस्टम के साथ अगर होता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घट सकती थी। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना घटी है, और मेरे पास वो शब्द कम हैं, पीड़ित परिवार के लिए मेरी संवेदना है, और ख़ास तौर से सरकार से मैं ये सोचूंगा कि जो भी अपने स्तर से है वो इन परिवारों की आर्थिक रूप से मदद करे। कैमरा पर्सन संदीप शर्मा के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।